नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाटर मोटर के बारे में। तो दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी वाटर मोटर के बारे में, जिन पर आपके काफी सारे कमेंट आए थे। उन्हीं कमेंट में से मैं कुछ कमेंट का जवाब आज इस वीडियो में दे रहा हूँ कि हमारी मोटर 10 या 15 मिनट चलकर गर्म होकर बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारी मोटर 10 या 15 मिनट चलकर गर्म होती है और वो बंद हो जाती है। दोस्तों इसके अंदर एक हीटिंग ऑटो कट लगा हुआ होता है, जिसकी एक लिमिट होती है गर्म होने की। अगर आपकी मोटर उस लिमिट से पहले गर्म होने से बंद होती है, तो समझिए आपके हीटिंग ऑटो कट है जो वाइंडिंग के अंदर लगा हुआ है, वो ऑटो कट खराब है। आप उसको मैकेनिक से चेंज करवा सकते हैं और आपकी मोटर बिल्कुल सही हो जाएगी। और दोस्तों कई बार होता क्या है कि आपकी मोटर जाम है और आपने चालू छोड़ दी, उस कंडीशन में भी आपकी मोटर गर्म होकर हीटिंग ऑटो कट से बंद हो जाती है, जिससे आपकी वाइंडिंग बच जाती है। तो दोस्तों ये हीटिंग ऑटो कट बहुत फायदे की चीज़ है। आपको ये जब भी आपकी मोटर वाइंडिंग हो या रिपेयर हो, जब भी आप दोबारा से रिवाइंडिंग करवाएं मोटर को, तो आपको हीटिंग ऑटो कट लगवाना चाहिए। तो दोस्तों ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, 70-80 रुपये का मात्र ये आता है। आप इसको जब भी वाइंडिंग कराएं तो आपको हीटिंग ऑटो कट लगवाना चाहिए। इससे आपकी मोटर वाइंडिंग के फुकने के कम चांस होते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक।